आज के वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि कैसे एक पार्टी जो कि केवल भारतीयों की डिमांड्स यानी कि भारतीयों की मांगों को ब्रिटिश के सामने रिक्वेस्टिंग वे में यानी आग्रहपूर्ण तरीके से रखने के लिए बनाई गई संस्था थी, लेकिन बाद के समय में यही संस्था ब्रिटिश के लिए सरदर्द बन गई और इंडियन नेशनल मूवमेंट में बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाई और इस तरह से मैं हिस्सेदारी निभाई कि एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई जो कि हमें आजादी दिलवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये वो पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरी बात, अगर इससे इसकी इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं, इससे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछी जाती है, चाहे वो स्टेट पीसीएस की मैं बात करूं, चाहे एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में आप एसएससी की बात करो, रेलवे की बात करो और भी बहुत सारे एग्जाम्स की बात करो, उन सब में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे इसके स्थापना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे, इसके अलग अलग अधिवेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए इस अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे, कब अधिवेशन हुई थी, कहाँ अधिवेशन हुई थी, तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो हम लोग उन सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। पहले इसके इतिहास को समझेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो उसके पीछे कारण क्या थे, कब बनी, अलग अलग अधिवेशन कब हुए, तो बहुत सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको इससे एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगी, आपको कंसेप्ट एक बिल्ड हो जाएगा, आपको इन डेप्थ पर्सपेक्टिव मिलेगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में और सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पार्टी अगर बनी तो इसके पीछे कहानी क्या थी, क्या ऐसी सिचुएशन बन रही थी जिसके कारण इस पार्टी की फॉर्मेशन हुई। तो सबसे पहले हम समझते हैं उसे, सबसे पहले हम समझते हैं 1857, आप लोग इसके बारे में बहुत बखूबी जानते होंगे, 1857 की क्रांति आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। 1857 की ये पहली क्रांति थी, पहली ऐसी मतलब एक्सप्रेशंस थी इंडियंस के द्वारा, ये पहला ऐसा रिवोल्ट था जिसके कारण ब्रिटिश की एक तरह से नींव हिल गई थी और इंडिया में लगभग लोगों ने इसे पार्टिसिपेट किया था 1857 के विद्रोह में, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई की मैं बात कर लूं, चाहे वो वीर कुंवर सिंह जमींदार वर्ग हो जाए, ठीक है, चाहे राजा महाराजा की मैं बात कर लूं, मुगल शासक जो थे बहादुर शाह जफर टू जो कि अंतिम मुगल शासक थे, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, सैनिकों ने भी इसमें विद्रोह कर दिया, हर वर्गों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। और उस समय भारत के जो वायसराय थे, वायसराय भारत के वायसराय थे वो कौन थे, प्रथम वायसराय, देखिए इससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, इसमें पहले वायसराय जो इंडिया के बने थे उस वायसराय का नाम था लॉर्ड कैनी। क्या नाम था? लॉर्ड कैनी। इस समय लॉर्ड कैनी जो वायसराय इंडिया के थे, उनको भी समझ में आ रहा था कि ये विद्रोह इतना बड़ा है कि जिसे दबाना बड़ी मुश्किल था, और जैसे तैसे इन्होंने इस विद्रोह को दबाया और ये विद्रोह कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से कंट्रोल कर लिया गया। इतना बड़ा विद्रोह, इतनी बड़ी एक तरह से रिवोल्ट आखिरकार कैसे कंट्रोल कर ली गई, हमें इतना बड़ा विद्रोह होने के बावजूद आजादी क्यों नहीं मिल पाई, जानते हैं क्यों हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाई, 1857 की क्रांति क्या ऐसी सिचुएशन थी जो फेल्योर के कागार पे चली गई। इसका सबसे बड़ा जवाब है, ये क्रांति तो जरूर हुई, हर लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन इसमें कमी एक ही थी कि ये सारा आंदोलन जो था, ये सारी विद्रोह एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं हो पाई, संगठित वे में नहीं हो पाई, संगठित तरीके से ना होके असंगठित तरीके से थी। पता चल रहा है कि आज जमींदारों ने विद्रोह कर दिया, फिर जमींदारों की विद्रोह चली, कुछ दिन शांत हो गए, फिर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, यानी कि हर लोगों ने अपने अपने मोटिव के लिए अलग अलग समय पर विद्रोह किया, यानी सभी लोगों ने एक संगठित वे में विद्रोह न किया, जिसके कारण हमें इस समय क्या हुआ, एक तरह से ये हमें सफल नहीं हो पाया ये विद्रोह, और एक तरह से जो हम सफलता चाह रहे थे इस विद्रोह से वो मिल नहीं पाई, ठीक है। तो इसकी कमी यही थी कि ऑर्गेनाइज्ड वे में ना हो पाया। तो लोगों को एक तो कमी समझ में आ गई कि एक सही ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मूवमेंट करने की जरूरत है, तभी हमें सफलता मिलेगी। तो 1857 के बाद के फेज में इस जरूरत को समझते हुए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो, अलग अलग पार्टीज बनना शुरू हो, और बहुत सारी पार्टीज बनी, चाहे वो रीजनल लेवल पर हो, ठीक है, कहां पर बनी, रीजनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर अलग अलग पार्टीज बनना शुरू हो गई, जो कि एक तरह से कहा जाए प्रांतीय स्तर पर बनना शुरू हो गई। तो अलग अलग पार्टीज बनी, उसी में रीजनल लेवल पर बहुत सारी पार्टीज थी, एक थी बॉम्बे एसोसिएशन। क्या थी? बॉम्बे एसोसिएशन। 1872 में एक पार्टी बनी थी बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन के बाद बनी थी एक मद्रास में एक पार्टी बनी थी, मद्रास में 1870 में एक पार्टी बनी थी। तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज बन रही थी, छोटी छोटी ग्रुप्स बन रही थी जो कि रीजनल लेवल पर पार्टी बन रही थी।
अलग अलग जगह बन रही थी, सबको समझ में आ रहा था कि हमें ऑर्गेनाइज वे में सब कुछ करना पड़ेगा, तभी हमें जाके उसका अच्छा आउटकम्स मिल पाएगा। छोटी छोटी पार्टी जरूर बन रही थी, लेकिन जानते हैं इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी? ब्रिटिश इस पार्टी को उतना वैल्यू नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये छोटी पार्टी हुआ करती थी, एक रीजन स्पेसिफिक पार्टी थी, किसी एक छोटे से एरिया की पार्टी थी, और दूसरी पहली बात तो ये थी, और दूसरी ये छोटी पार्टी होने के कारण ब्रिटिश इसको इग्नोर किया करती थी कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो फिर इंडियंस को यानी इस लीडर्स को यानी इस पार्टी में जो बड़े बड़े लीडर्स थे, जैसे फिरोज शाह मेहता हो गए, उसके बाद दादा भाई नौरोजी हो गए, और भी बहुत सारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, इन सारे लीडर्स को फिर यहाँ समझ में ये आया कि हमें एक कंट्री लेवल पर एक हमें एक बड़ी देशव्यापी एक बड़ी पार्टी बनानी पड़ेगी, यानी इन सारे पार्टी को मर्ज करके एक ऐसी पार्टी बनाओ जो कि किसी रीजन स्पेसिफिक नहीं हो, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करे, हमारे पूरे देश को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, उस पूरे देश को एक तरह से बताए, उस पूरे देश की बातों को क्या कर सके, हमारे कंट्री की बातों को लोगों मतलब कि ब्रिटिश के सामने रख। तो एक बड़ी पार्टी की जरूरत पड़ रही थी यहाँ पर, इस पार्टी से कुछ हो नहीं रहा था, और वहीं पर क्या हुई, वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की पार्टी निकल गई, जो कि क्या कर रही थी, देश स्तर पर लोगों के डिमांड्स को ब्रिटिश के सामने रखने के लिए बनाई गई पार्टी थी। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इस समय जब स्थापना हुई तो मात्र 72 मेंबर्स थे, कितने, 72 प्रतिनिधि के द्वारा इस पार्टी की फॉर्मेशन हुई, और 72 प्रतिनिधि थी, और साथ में कौन बनाए थे, ए ओ ह्यूम नाम के व्यक्ति थे, जिसका पूरा नाम था एलन ऑक्टोवियन ह्यूम नाम के एक व्यक्ति थे, जो कौन थे, रिटायर्ड ब्रिटिश, ये स्कॉटलैंड के थे, कहां पे थे, स्कॉटलैंड कहां पर है, तो ब्रिटेन में, ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे, जो इंडिया में एक सिविल सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट मतलब एक तरह से सिविल सर्वेंट थे और रिटायर्ड थे, ठीक है, और बेसिकली ये निवासी कहां के थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे, भारत में सिविल सर्वेंट थे और रिटायर्ड हो चुके थे। तो इन्होंने ही क्या किया था, इस पार्टी को यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाने का काम किया था। तो बनी थी कब, 28 दिसंबर 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देशव्यापी पार्टी बनी थी, और 72 प्रतिनिधि के द्वारा एओ ह्यूम की अध्यक्षता मतलब एओ ह्यूम के निगरानी में ये पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, एलन ऑक्टोवियन। यहां हो गई स्थान कहां था, कहां पर बनी ये पार्टी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी तो बॉम्बे में बनी थी, कहां पर बनी थी, बॉम्बे में थी, और बॉम्बे में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बॉम्बे में थी कहां, तो बॉम्बे में भी स्पेसिफिक जगह है, उसका नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ये बॉम्बे में जगह है, यहीं पर बनी थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे में। क्या हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फॉर्मेशन की गई थी। आई होप आपको दो तीन पॉइंट समझ में आ गया कि इसकी फॉर्मेशन 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, एओ ह्यूम के द्वारा बनाई गई थी, बनी थी तो उस समय कितने प्रतिनिधि मात्र थे, 72 प्रतिनिधि थी, और बाद के फेज में सोचिए कितना मेंबर्स इसमें होंगे। बॉम्बे में बनी थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में बनी थी बॉम्बे। दूसरी बात है कि पूर्व नाम, ये चीजों का समझना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी तो ऐसा नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम से ही संस्था बनी थी, नहीं, इससे पहले एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, ध्यान रखिएगा उनका नाम, इनका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या बनी थी, भारतीय राष्ट्रीय संघ जो एक पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी 1884 में, क्या हुई थी, सितंबर 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम की एक संस्था बनी थी, जो उस समय संस्था बनाई गई थी ये किनके नेतृत्व में, तो उस समय नेतृत्व में थे दादा भाई नौरोजी थे, उसके अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, उसके अलावा एओ ह्यूम थे। तो एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय संघ 1884 में मद्रास में बनी थी, मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से पार्टी बनी थी 1884 में। बाद में इसी पार्टी, ध्यान सुनिएगा, इसी पार्टी का बॉम्बे में नामकरण कर दिया गया, यानी कि इसी पार्टी का नाम बदल क्या दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय संघ के जगह पर इसी पार्टी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया,
यानी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय संघ थी, जो नामकरण कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में। नामकरण किया किसने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो इसका नामकरण किसने किया, तो इसका नामकरण जो किया था वो था दादा भाई नेहरू जी। किनके द्वारा किया गया, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया, दादा भाई नेहरू जी के बारे में किया गया था, मतलब तो दादा भाई नेहरू जी ने किया था भारतीय राष्ट्रीय संघ का नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। दूसरी क्वेश्चन, दादा भाई नेहरू जी का एक नाम है आप सुने होंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान से रखना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनका उपनाम है, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। दादा भाई नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नामकरण करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था, ठीक है, बॉम्बे में। दूसरी चीज है कि जब ये बनी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन रही थी, तो उस समय वायसराय कौन थे, इंडिया के जो वायसराय थे वो वायसराय कौन थे, वो वायसराय जो थे उनका नाम था डफरिन, क्या नाम था, डफरिन था, लॉर्ड डफरिन, डफली वाले डफली है ना, तो लॉर्ड डफरिन साहब उस समय वायसराय थे। इनका कार्यकाल अगर बात किया जाए तो इनका कार्यकाल जो चला था 1884 से 88 तक था, ठीक है, 1888 तक इनका कार्यकाल था, और इसी के कार्यकाल में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय संघ जो था उनका नाम मतलब बनाया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनका नामकरण कर दिया गया, तो डफरिन था। देखिए कुल मिलाजुला के अगर देखिएगा तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो डफरिन के दिमागों की ही उपज थी, डफरिन ने ही ऐसा कहा, मतलब ऐसा सोचा और इस तरह से प्राइवेट नेगोशिएशन करके ये काम दिया किनको, एओह्यूम को, कि तुम क्या करो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाओ। तो कहोगे क्यों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने से इनको क्या फायदा है, डफरिन को क्या फायदा है, तो देखिए फायदा ये है, पहले जितनी भी पार्टी थी वो छोटी छोटी पार्टी हुआ करती थी, जब इच्छा हुआ तब वो लोग क्या कर देती थी, प्रोटेस्ट करने लगती थी, जैसे बॉम्बे एसोसिएशन हो गया, मद्रास में जो पार्टी थी छोटी छोटी रीजनल पार्टी, कभी भी विद्रोह कर देती थी। जिनको संभालना अंग्रेजों के लिए बड़ी मुश्किल काम था, टेढ़ी खीर हुआ करता था, सबको मना रहा इसको रोको तो वो पार्टी विद्रोह करे, वो उसको रोको तो ये पार्टी विद्रोह करे। इन्होंने सोचा कि एक ही पार्टी बनाओ, देश व्यापी पार्टी बनाते हैं, जो कि उस पार्टी को हमें संभालना आसान रहेगा, क्योंकि एक ही पार्टी नहीं है और एक पार्टी रहेगी तो उसे संभालना आसान है, उसे मतलब और मतलब देखना आसान है। तो बोला कि क्या करो तुम लोग एक पार्टी बनाओ देश लेवल पर, और उसका डिमांड हमारे पास, उस मतलब प्रॉब्लम जो भी होगी, उस प्रॉब्लम का जो भी प्रॉब्लम है हमें हमारे पास लाओ, हम सॉल्व कर देंगे, ताकि हम उसे क्या कर सके, कंट्रोल कर सके अच्छे से। और इसी कारण उन्होंने क्या किया, डफरिन साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक तरह से देखा जाए तो इन्हीं के दिमाग का उपज था, जो कि एओह्यूम ने उसको कार्य को संपन्न करने का काम किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो सोच के बनाए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये हमारे कंट्रोल में रहेगी, वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लेटर फेज में क्या हालत कर दिया इन अंग्रेजों का, अंग्रेज परेशान हो गए कि अरे बाप ये क्या हमने कर दिया, ठीक है। तो यही था भारतीय राष्ट्रीय, कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, स्थापना, स्थान, पूर्व नाम, वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे, इनका कार्यकाल मैंने बता दिया आपको कब से कब तक था। अब देखिए एक दो क्वेश्चन और समझिए, कुछ अलग अलग व्यक्तियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर अलग अलग टिप्पणियां की, टिप्पणियां समझते हैं ना कि यानी कुछ आलोचना करना, कुछ इनको सपोर्ट करना, ऐसे बहुत सारे लोगों ने क्या किया इस पर टिप्पणी कसी, अलग अलग टिप्पणी। ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि मान लीजिए कि एक टिप्पणी दे देगा, एक स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में, ये स्टेटमेंट किन व्यक्ति के द्वारा कहा गया है। तो स्टेटमेंट जरा मैं आपको बताया, तो कुछ बेसिक स्टेटमेंट जो कि महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। सबसे पहला स्टेटमेंट जो दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर, वो डफरिन ने दिया था। डफरिन क्या कहा था जानते हैं, लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अल्पसंख्यकों की संस्था, माइनॉरिटी की संस्था है, क्योंकि जिस समय बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय कितने प्रतिनिधि थे, 72 प्रतिनिधि थे, तो एक तरह से अल्पसंख्यकों की संस्था तो हो गई ना। तो डफरिन ने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यकों की संस्था है, इससे कुछ नहीं हो सकता। बाद में जाके यही संस्था ने क्या कर दिया वो तो हम सब जानते हैं, ठीक है, डफरिन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। दूसरा स्टेटमेंट जो हुआ था, पहला स्टेटमेंट तो ये दे दिए, दूसरा स्टेटमेंट इनके बारे में जो टिप्पणी दिया था वो था लॉर्ड कर्जन, नाम सुने हैं इनका आपने, लॉर्ड कर्जन, यही वो व्यक्ति लॉर्ड कर्जन जिन्होंने बंगाल विभाजन
आप इनके बारे में कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था तो उसकी नींव रखी थी इन्होंने ही, लॉर्ड कर्जन के प्रयासों के कारण ही हमारा बंगाल विभाजन या तोड़ने की कोशिश की गई थी इनके द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, इन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने पतन की ओर अग्रसर है और इसमें मैं इसका तमाशा देखना चाहता हूं, यानी इस पतन को मैं बैठकर बहुत ही मजेदार तरीके से देखना चाहता हूं। कांग्रेस अपनी पतन की ओर अग्रसर है और ये पतन को मैं बैठकर मजेदार तरीके से देखना चाहता हूं। तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा दी गई स्टेटमेंट थी। डफरिन कर्जन का समझ में आ गया। तीसरा जो स्टेटमेंट आया था, थर्ड स्टेटमेंट जो आया था वो तिलक के द्वारा, तिलक कौन, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, आप कहोगे बाल गंगाधर तिलक क्यों स्टेटमेंट दिए थे, तो अभी मैं बताता हूँ। तिलक ने स्टेटमेंट दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है एक भीख मांगने वाली संस्था है। क्या है, भीख मांगने वाली संस्था है, ये केवल भीख मांगती है। ऐसा स्टेटमेंट इसलिए दिया था कि आप देखिएगा तो बाद में जाके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो फाड़ हो जाते हैं, यानी कि दो वर्गों में टूट जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक ऐसा ग्रुप रहता है जिसका सोच रहता है कि हम ब्रिटिश के सामने रिक्वेस्ट यानी कि लेटर राइटिंग में, यानी कि अपनी डिमांड को हम कैसे उनके सामने रखेंगे, चिट्ठी लिखकर विनम्र तरीके से, आज्ञा पत्रों के माध्यम से काफी विनम्र तरीके से हम अपनी डिमांड को, अपनी मांगों को किनके सामने रखेंगे, अंग्रेजों के सामने रखेंगे। एक ग्रुप था ऐसे, इसमें कुछ लीडर्स थे अभी बताएंगे कि फिरोज शाह मेहता, कुछ दादा भाई नेहरू जी और भी कुछ नरम दल के नेता थे, कुछ ऐसे नेता थे जिनका मतलब सोच था कि नहीं, हमें रिक्वेस्ट करने से, हमें मांगने से नहीं मिलने वाला है कुछ भी, अगर हमें कुछ भी चाहिए ब्रिटिश से तो हमें छीन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, या हमें थोड़ा सा एग्रेसिव के साथ, एग्रेशन के साथ मांगना पड़ेगा। मांगना तो पड़ेगा ही नहीं, एग्रेशन रखना पड़ेगा, थोड़ा विनम्र होने से काम नहीं चलने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि थोड़ा सा एग्रेसिवली मतलब बातों को अपनी रखते थे, एग्रेसिव सोच के थे, वैसे लोगों को एक्सट्रीमिस्ट या गरम दल के नेता। तो दो ग्रुप में बट गई थी कांग्रेस, एक तो नरम दल और एक थी गरम दल। नरम दल रिक्वेस्ट, गरम दल थोड़ा सा वायलेंट तरीके से। तिलक जो थे ना, बाल गंगाधर तिलक, तो वे किस वर्ग में आते थे, गरम दल में आते थे। जैसे आप पढ़ेंगे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों गरम दल के नेता थे। और ये गरम दल के नेता थे या एक्सट्रीमिस्ट थे, और ये लोग मांगने में विश्वास नहीं रखते थे, याचिका में विश्वास नहीं रखते थे। इसीलिए इन लीडर्स ने कहा था, तिलक ने कहा था कि कांग्रेस क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। क्योंकि इनके जो लीडर्स थे ना, शुरुआती फेज के जो लीडर्स थे, वो तो रिक्वेस्ट ही करते थे, मांगते थे ब्रिटिश से। इसलिए इन्होंने कहा दिया, स्टेटमेंट कह दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। आई होप समझ में आ गया इनका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इन्होंने क्या कहा था। चौथे व्यक्ति थे महात्मा गांधी। कौन थे, गांधी का स्टेटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। गांधी जी ने क्या कहा था कि जब हमें आजादी मिल गई, यानी हमें जब इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 में, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती, तो गांधी जी ने कहा कि जिस कार्य सिद्धि के लिए, जिस हम मोटिव से हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया था, वो कार्य तो मेरा पूर्ण हो गया, हमें तो आजादी मिल गई, तो अब हम क्या चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विघटित कर दिया जाए, यानी खत्म कर दिया जाए। तो ये किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि अब समय आ गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विघटित कर दिया जाए। लेकिन तब तक 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी बन गई थी कि बहुत सारे लीडर्स ने इनका अपोज कर दिया, इनको, इनके बातों को मतलब कि अपोज किया, मतलब बोला कि नहीं नहीं, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हमें क्या करना चाहिए, विघटित न करते हुए इन्हें आगे भी कंटिन्यू किया जाना चाहिए। तो वो बातें नहीं हो पाई जो गांधी जी सोचते थे, लेकिन गांधी जी का स्टेटमेंट ये आया था कि अब हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विघटित कर देना चाहिए। तो ये चार व्यक्ति इंपॉर्टेंट, डफरिन, लॉर्ड कर्जन, तिलक और गांधी, ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनका स्टेटमेंट था किनको लेकर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर। कुछ बेसिक बातें आपको समझ में आई, आया होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इसके महत्वपूर्ण अधिवेशन वो कहां कहां हुए थे, और कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन को समझते हैं जो कि VVI बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उसे देखते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन देखते हैं कांग्रेस के, जो कहां कहां हुए हैं सारी बातें। तो हम लोग क्या क्या देखेंगे, अधिवेशन कब हुए, स्थान कहां हुए, अध्यक्ष कौन थे, और विशेषता क्या थी उस अधिवेशन की। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट जो अधिवेशन जो देखने को मिला था, फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था,
फर्स्ट जो है फर्स्ट 1885 में हुआ था जब बनी थी कांग्रेस। 1885 का जो अधिवेशन है ये हुआ था बॉम्बे में। कहां पर हुआ था? बॉम्बे, बॉम्बे जिसे आज आप मुंबई कहते हैं उसी बॉम्बे में ये पहला अधिवेशन हुआ था। वही कॉलेज यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको बताई है गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत विद्यालय थे उसी में ये पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में बॉम्बे में। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे WC बनर्जी, बैनर्जी साहब थे, WC बैनर्जी थे। इसका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी है, WC बैनर्जी इन्हें कहते हैं। ये उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसकी विशेषता ये थी कि 72 प्रतिनिधि इसी अधिवेशन में क्या थी, 72 प्रतिनिधि थे इसमें बैठक किए थे यानी अधिवेशन में थे, बनाए थे। और साथ में क्या था कि इस समय कौन बनाए थे, एओ ह्यूम साहब कांग्रेस का फॉर्मेशन किए थे। तो कितने अधिवेशन में भागीदार थे या प्रतिनिधि थे, तो 72 प्रतिनिधि थे। अध्यक्ष कौन थे, WC बैनर्जी थे। कहां हुआ था, बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो विद्यालय था वहां पर हुआ था 1885 का पहला अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन। सेकेंड अधिवेशन ध्यान रखिएगा, सेकेंड जो है 1886 में हुआ था, 1886 में ये कैलकटा में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता या कैलकटा इसको बोलते हैं, अभी जो कोलकाता बोलते हैं उसे पहले कलकत्ता बोलते थे, ठीक है, तो कैलकटा में हुआ। और इसके जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे उनका नाम था दादा भाई नेरोजी। क्या नाम था, दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी से ये इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नेरोजी। और इसी को दादा भाई नेरोजी को ही क्या उपनाम क्या है, मैंने अभी बताया आपको, इन्हीं को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वयोवृद्ध व्यक्ति भारत का कहा जाता है, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेरोजी कहा जाता है। तो द्वितीय अधिवेशन जो थी 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नेरोजी थे उसके अध्यक्ष। तीसरा जो अधिवेशन देखने को मिला था, थर्ड जो हुआ था 1887 में हुआ था, और ये अधिवेशन हुआ था मद्रास में, ठीक है, मद्रास में हुआ था। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, बद्रुद्दीन तैयबजी साहब थे इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि ये अधिवेशन पहला अधिवेशन है जिसमें प्रथम मुस्लिम, क्या था इसकी विशेषता, प्रथम मुस्लिम जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बद्रुद्दीन तैयबजी। तो पूछेगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, तो वो थे बद्रुद्दीन तैयबजी। कब बने थे, 1887 का थर्ड कांग्रेस का अधिवेशन है जो कहां हुआ था, मद्रास में। तो ये प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयबजी बहुत महत्वपूर्ण है, VVI इसको लगाइए आप, ये और ये दोनों, ठीक है, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन और ये थर्ड कांग्रेस अधिवेशन। नेक्स्ट है फोर्थ कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1888 में। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन है, ये कहां हुआ था, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, जिसे आज नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद को क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया। इसी इलाहाबाद में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था, जो कहां पर हुआ था यह कांग्रेस अधिवेशन, इलाहाबाद में हुआ था। और कौन थे इसके अध्यक्ष, जो थे वो थे जॉर्ज यूले नाम के व्यक्ति इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार नॉन इंडियन, क्या थे, नॉन इंडियन कोई बने थे इसके अध्यक्ष, या मैं ऐसे कहूं तो ब्रिटिश बने थे, ठीक है, प्रथम नॉन इंडियन या प्रथम बार कोई ब्रिटिश क्या बने थे, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो आपसे पूछ लेगा कि प्रथम नॉन इंडियन या प्रथम ब्रिटिश कौन कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, तो चौथा कांग्रेस का अधिवेशन था 1888 में हुआ था, कहां पर हुआ था, आपको इलाहाबाद में हुआ था। और कौन थे उस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, जॉर्ज यूले नाम के ब्रिटिश थे। आई होप ये चौथा क्लियर हो गया। ये कंटिन्यू चारों बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा 1885, 86, 87, 88, ठीक है, 85, 86, 87, 88। अगला महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन है वो है 1896, ठीक है, 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो कहां पर हुआ है,
तो वो कांग्रेस अधिवेशन आपको कलकत्ता में हुआ है, ठीक है, कलकत्ता में हुआ है ये कांग्रेस अधिवेशन। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे रहमतुल्ला सयानी, ठीक है, रहमतुल्ला सयानी इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहमतुल्ला सयानी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन, क्योंकि इसी कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। पहली बार कब गाया गया वंदे मातरम, तो रहमतुल्ला सयानी थी और 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम कौन रचयिता है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, यानी कि रचयिता है इनके। और साथ में ये कहां से, किस पुस्तक से दिया गया, तो आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ नाम के पुस्तक से। तो पहली बार वंदे मातरम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। उस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, रहमतुल्ला सयानी थी। अब इसमें देखिएगा कि एक चीज आप मिला रहे हैं कि कांग्रेस अधिवेशन है अलग अलग शहरों में हो रहा है, एक शहर में नहीं हो रहा है, कभी कलकत्ता हो रहा है, कभी मद्रास हो रहा है, कभी बॉम्बे हो रहा है। और एक तो ये बातें होगी अलग अलग शहरों में हो रहा है, दूसरी बातें आप मिलाइएगा कि कांग्रेस जो अधिवेशन है उसमें अध्यक्ष भी एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति को रखा जाता है। उसमें हिंदू कम्युनिटी से भी रखा जा रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी से भी रखा जा रहा है, कुछ ब्रिटिश को भी रखा जा रहा है, ईसाई वगैरह जो होते हैं, यानी हर लोगों को जोड़ा जाता है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को इंगेज किया जा रहा है। इसका मतलब क्या जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो किसी एक रीजन स्पेसिफिक पार्टी नहीं थी, पूरे भारत मतलब कि एक तरह से देशव्यापी पार्टी थी। और इसमें हर व्यक्ति को जोड़ना था, यानी हर शहर में जा जाकर मतलब अधिवेशन होगी तो हर शहर के लोग जुड़ेंगे इससे। दूसरी बात है, अलग अलग ग्रुप से अगर हम अधिवेशन के अध्यक्ष चुनेंगे तो हर ग्रुप्स के लोग इसमें जुड़ेंगे, ताकि इसका जो मास मतलब जो एक तरह से ब्रॉड स्ट्रेचर मिलेगा कांग्रेस को, यानी इसमें लोग काफी मात्रा में जुड़ते चले जाएंगे और इसका एक तरह से मतलब कि जो मासेज है, यानी कि पार्टी धीरे धीरे बड़ी पार्टी बन जाएगी, क्योंकि एक देश को रिप्रेजेंट कर रही है इस पार्टी। तो इसीलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए अलग अलग जगह पर अधिवेशन होता था और साथ में अलग अलग लोगों को इस अधिवेशन में जोड़ा जाता था। 1896 तक क्लियर हो गया। चलिए अगला अधिवेशन जो है हमारा 1905 का अधिवेशन है, ठीक है, अगला अधिवेशन 1905 का अधिवेशन है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन 1905 का, क्योंकि इसी समय बंगाल विभाजन हुआ था। तो क्वेश्चन बनता है कि 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1905 का जो अधिवेशन है ये अधिवेशन आपका बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था बनारस में। और इस अधिवेशन के अगर अध्यक्ष की मैं बात करूं तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इससे भी, तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे जानते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, यानी कि उनको राजनीति से रिलेटेड शिक्षा दीक्षा देने का कार्य कौन किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वाराणसी में, उस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। जानते हैं इसकी विशेषता क्या, 1905 के जो कांग्रेस अधिवेशन है इसी समय बंगाल विभाजन हुआ था। कौन थे इस समय गवर्नर, यानी कि भारत के वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने भारत में एकता को तोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, यानी तोड़ दिया बंगाल को। जब बंगाल का विभाजन किया तो लोग यहाँ पर गुस्सा हो गए, बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे हिंदू थे सब तो करें कि भारत यहाँ पर मतलब एक तरह से ब्रिटिश यहाँ पर तोड़ने की लोगों को कोशिश करा। उसी समय बहुत बड़ा मूवमेंट चला था, वो मूवमेंट यानी आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन। क्या था, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और इस स्वदेशी आंदोलन के मदद से कहा गया था कि हम बंगाल विभाजन का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था स्वदेशी आंदोलन चलाकर। स्वदेशी आंदोलन कब चला था, और इसका बिल जो है ना स्वदेशी आंदोलन का एक तरह से जो पास किया गया था, किस कांग्रेस अधिवेशन में इस पर मांग उठी थी पास करने के लिए, तो 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन की मांग उठी थी बड़े लेवल पर और आंदोलन हुआ था। 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन है बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले थे, इसी समय कांग्रेस का विभाजन हुआ था और इसी समय स्वदेशी आंदोलन की मांग उठी थी।
तो कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन मैंने आपको बता दिए, चार तो आपको कंटिन्यू लाइन से याद रखना है, 85, 86, 87, 88, ठीक है, 85, 86, 87, 88, उसके बाद 96, इसमें कई देश में क्या हुआ था, इसका महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें वंदे मातरम पहली बार गया था रहमतुल्ला सयानी थी 1896 के कांग्रेस अधिवेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, ठीक है, और इसमें कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1905 के कांग्रेस अधिवेशन का क्या महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें स्वदेशी मांग आंदोलन की मांग उठी थी और ये बनारस में हुआ था और ये थे गोपाल कृष्ण गोखले नाम के, मतलब कि राजनीतिक गुरु गांधी जी के जो थे वही इसमें कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन मैंने आपको 1905 तक बता दिया, वीडियो लंबा हो गई, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब बची हुई कुछ और महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन है, जैसे 1907, 1911, 1916, ठीक है, 1919, बहुत सारी और भी, 1947 तक जो कांग्रेस अधिवेशन, कुछ महत्वपूर्ण और भी कांग्रेस अधिवेशन, उसे नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, अगली वीडियो बनाऊंगा और उसमें और भी महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन को आपको क्लियर कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है, हो सकता है थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, बाकी आप लोग का कंटेंट कैसा लग रहा है बाकी आप लोग बताइएगा, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आई होप लगा होगा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो अच्छा मतलब आपको बेनिफिट तो मिल सकता है इस वीडियो से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसी के पार्ट के साथ, अगले पार्ट के साथ, जो इस पार्ट का अगला पार्ट जो अगले अधिवेशन, पूरे अधिवेशन को क्लियर करूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।